कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स। क्लास फाइव लास्ट वाइज हमने अपने फोर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर। ओके क्लास, अब हम इसकी नेक्स्ट वर्किंग करेंगे यूनिट फोर की। ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर आपकी ब्लैंक्स मौजूद हैं क्लास फाइव, ये तमाम ब्लैंक्स आपने बुक पर ही करनी है। ओके क्लास, नंबर वन, ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड वेल्स। जो ज़मीनी पानी होता है वो हमें किस शक्ल में मिलता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें आएगा स्प्रिंग, वो वेल में और स्प्रिंग में, ठीक है ना, दो तरह से हमें मिलता है। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ, हवा के अंदर जो पानी शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर। क्या कहते हैं? वाटर वेपर। नंबर सी, सॉलिड वाटर इज कॉल्ड, जो पानी जमा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइस। नंबर डी, आइस मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड, जो पानी जमा हुआ होता है आइस की शक्ल में जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाटर। इफ़ वी कूल वाटर वेपर इट चेंज इंटू डैश, अगर हम पानी ठंडा कर लें उसके बुखारात जो होते हैं, वेपर्स जो होते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो किस शक्ल में हो जाते हैं? इट चेंज इंटू वाटर। नंबर एफ, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड फ्रीज टू फॉर्म डैश और स्नो, जब ठंडे कतरे या बारिश या समंद आसमान की तरफ से हमें ठंडा पानी मिले या वो ठंडे कतरों की शक्ल में हमें मिले, वो जमा हुआ आए क्लाउड से, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? वो बर्फ और हेल, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े। नंबर जी, ह्यूज स्टोर्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड, बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पर जमा किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? रिजर्वियर्स। सीज वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ, समंदर के पानी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या शामिल होता है? नमक, सॉल्ट। आयोडीन हैज़ टू प्रिवेंट, आयोडीन नमक को कहते हैं, ठीक है ना, आयोडीन एक नमक की एक टाइप होती है, उसे कहा जाता है, उसके अंदर क्या शामिल होता है? वो हमारे हमें क्या हेल्प करता है? ग्वाइट्री। ओके क्लास, सी योर क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ पिक्चर्स और डायग्राम इन योर नोटबुक टू शो टू डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, आपने दो यूजेस ऑफ वाटर की, पानी के दो इस्तेमाल बताने हैं बाय डायग्राम, डायग्राम के जरिए, ठीक है ना, ये आपके पेज नंबर 36 पर भी मौजूद है यूजेस, मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट क्लास, पेज नंबर 36 पर आपके पास मौजूद हैं ये यूजेस हैं वाटर के, पानी के इस्तेमाल बताए जा रहे हैं, कपड़े धोने में, प्लांट वाटरिंग करने में, वेल से पानी निकाल के इस्तेमाल करने में, ये यूजेस बताए जा रहे हैं। आप इन यूजेस को मज़ीद अपने पास से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय मैगजीन या कहीं पर भी आपकी से पिक्चर प्रोवाइड हो, आप उन्हें अपनी दो पिक्चर्स को कॉपी पर पेस्ट करेंगे। ओके क्लास, ओके क्लास, आपकी डायरी है, फिल द ब्लैंक्स जो भी आपको करवाई है वो आपने बुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो फिल द ब्लैंक्स के नीचे था वो वर्क आपने कॉपी में करना है। पिक्चर्स आप कहीं से भी टेकआउट कर सकते हैं, मैगजीन से ले सकते हैं, या कहीं पर भी आपको जहाँ पे पानी की यूजेस मिले आप वहाँ से पिक्चर टेक करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, और आपने प्लस पेज नंबर 40 से ये वर्क करना है, MCQs बनाने हैं, MCQs आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, वो बुक से आप खुद सर्च करेंगे और कॉपी में मेक करेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।